तो हेलो पोकी लवर्स, मैं हूँ आपका दोस्त विशाल और यह पोकेमोन वर्स यूट्यूब चैनल। तो भाई मेरे को पता है कि ट्रेनर कैनन की वीडियो बहुत लेट हो गई है, अभी से रेगुलर आ नहीं रही, पर आज मैं लेने जा रहा हूँ अपना स्पेशल पोकेमोन जो है साइनी म्यू। तो पहले वो ले लेते हैं, बाद में बातें तो होती रहेंगी वैसे भी। तो मैं ना बहुत कन्फ्यूज था दो पोकेमोन में से, एक है साइनी म्यू और एक है पालकिया। तो मैं पालकिया का सबसे ज़्यादा वेट कर रहा था क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था कि साइनी म्यू मेरे को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो पालकिया ही ले लेते हैं, पर अब काम हो चुका है क्योंकि इस इवेंट की मेरे को ज़रा भी वो नहीं था कि मुझे पता नहीं था कि इवेंट आएगा फिर से। और आपको बता दूँ कि ये हर महीने वाला इवेंट नहीं है। तो आप वो सोच रहे हो तो भाई आप बहुत बड़े सी बन गए हो, तो आपको पता होगा सी क्या होता है। तो मैं अब बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ये रहा देखो साइनी म्यू, तो मैं क्यों करेंगे अपग्रेड। और मैं ना पालकिया की जगह अपनी टीम में कर रहा था, इसलिए वो मैं म्यू यूज़ कर रहा था क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि ये मिलेगा। पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा पोकेमोन लूँ इन दोनों में से, तो एक ही बात है कि साइनी म्यू बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप कंपैरिजन करते हो तो। इसका एसएस और भाई बिल्कुल आप जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हो, पता है आपको, वो आपके ऊपर है कि आपको पोकेमोन कैसे बिल्ड करना है। तो वो ये सब नहीं बताने वाला, अभी मैं करता हूँ अपने म्यू को रीसेट। पहले इसको रीसेट कर देते, बाद में हमारा साइनी म्यू को करते हैं अपग्रेड। तो देखो मैं पहले से इसके आपको बता दूँ कि मैं तैयार नहीं था इसके लिए, इसके वजह से पिन बॉल्स और ये सब बहुत कम है, पर जितने भी है उतने यूज़ करेंगे। और मैंने अभी अपने सारे वो रूम्स होते हैं वो निकाल लिए क्योंकि मुझे 5 स्टार के रूम्स अपग्रेड करने हैं मेरे को। अभी के लिए तो मेरे पास एक भी अच्छा रूम्स नहीं है, 4 स्टार के बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास पर कुछ भी यूज़ करने लायक नहीं है। तो मैं अभी वो यूज़ नहीं करने वाला, तो बाद में देखा जाएगा वो सब कुछ। और 5 स्टार रूम्स आपको पता है कितना हार्ड है भाई, आप अगर मेहनत करते हो हर महीने तो आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं। और टीएम्स की तो क्या ही बात करो भाई, विक्ट्री रोड तो भाई हर रोज़ आप क्लियर कर सकते हो, पर बहुत लोगों को विक्ट्री रोड में प्रॉब्लम आ रही है मेरे को पता है कि बहुत लोग क्लियर नहीं कर पा रहे विक्ट्री रोड, वो भी आखिर में 3 जो आते हैं ना लास्ट के 3 ट्रेनर, या बोल सकते हो कि 13, 14 या 15 जो आप हरा सकते हो ट्रेनर को, ठीक है। तो वो आता है ना तो वहीं पर ही सबसे स्ट्रांग पोकेमोन आता है, पता है। तो अगर आपको जो लास्ट वाले ट्रेनर को हराते हो तब आपको वो देता है टीएम, ठीक है। तो अगर आप ग्लिच यूज़ करते हो विक्ट्री रोड में या बग यूज़ करते हो तो आपको यार वो टीएम नहीं मिलेगी। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था, तो आप उसे कैसे जीत सकते हो उससे वीडियो आ रही है, और बैटल सेंटर की भी वीडियो आ रही है। तो भाई उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी, क्योंकि मेरे खुद के पास भी वो जो मैं बताने वाला था वो मैं नहीं था, तो उसके लिए थोड़ा रेडी कर रहा था। तो मेरे पास कॉइन्स नहीं है, देख सकते हो भाई, पूरी जेब खर्च हो गई अपनी, क्योंकि यार बहुत सारे पोकेमोन को रीसेट किया यार, फिर से यूज़ किया तो भाई उसमें सारा चला गया, वरना एक पोकेमोन को मेगा करने जितना कॉइन्स पड़ा था मेरे पास, और एक हो जाता शायद अगर मैं ये नहीं करता तो, और एक पोकेमोन मेगा हो जाता। तो यार बहुत बड़ी गलती हो गई वो, पर क्या करें यार, मेगा करने के बाद क्या, हम मज़े के लिए गेम खेलते हैं ना भाई, मज़ा देखो आप। और काम तो वैसे भी मैं करने वाला हूँ, तो वो सब अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो सब आप अगर साइड में रखो तो ही बेहतर है। तो भाई कैंडीज तो अपने पास भर के पड़ी है, और क्या चाहिए बोलो। तो आप बोलोगे कि लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे पोकेमोन है, लेजेंडरी पोकेमोन है जो बहुत ताकतवर है। तो आपको बता दूँ कि जो पोकेमोन होता है ना उनका ट्रेनर डिसाइड करता है कि कौन सा पोकेमोन बेस्ट है या नहीं, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, सबको अलग अलग यूज़ करते हो, ठीक है। तो भाई बहुत सारे लोग हैं तो होते हैं कि भाई ये पोकेमोन बहुत स्ट्रांग है मेरे को यही चाहिए, तो ना मेरे को पालकिया चाहिए था अपनी टीम में, तो वो मैं लूँगा भाई, मैं लूँगा, ठीक है। बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ पालकिया का, तो वो तो कैसे भी लूँगा मैं, पूरा दम निकाल दूँगा गेम का यार, वो तो लेकर रहूँगा मैं। तो अभी वो बात छोड़ो, तो भाई म्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो मैं साइनी वीनसोर को भी रीसेट करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास है साइनी साइमिन, दोनों के एसएस भाई देख ही सकते हो 690 है। तो मेगा के बाद तो भाई दोनों ही मेरे टीम में क्या धमाल मचाने वाले, अब तो तेरे भाई की भाई
तुम्हारे भाई की अब तो भाई टीम इतनी ओपी बन चुकी है, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही पता है, अभी कुछ चाहिए ही नहीं ऐसा लगता है ज़िंदगी में, पर जितना मिले उतना कम है तो वो सब छोड़ो। तो अगर आप अपने म्यूक को मेगा करते हो तो उसके पास एक मूव आ जाता है जिसे बोलते हैं नेस्टी फ्लोर, तो आपको कोई भी टीम देने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि मेगा के बाद वो ऑटोमेटिक आ जाएगा उसके मूव में। तो बस यही जो मेन बात है जो मैं आपको बताना चाहता था, मैं और कुछ नहीं। तो जो भी आप मूव यूज़ करो, देखो अभी मैं आपको मूव सजेस्ट नहीं कर, मूव जो होता है तो वो अभी मैं सजेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि सबके पास टीम होती है या नहीं होती है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो अब से रेगुलर वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, और मेरे को ये बताओ कि यार वीडियो में थोड़ा भाई कॉन्टेंट डाला है एकदम एडिटिंग वाला कॉन्टेंट, बोलो क्या बोलते हो, तो मेरे को कमेंट करके बताना आप कि आपको वीडियो कैसी चाहिए।